कितने बच्चों की मौत हुई है? लगभग 11 साल और 6 साल और उनको आश्वस्त किया गया है कि महत्वपूर्ण कार्रवाई है। पुलिस की तैयारियां हैं, अब डिप्लॉयमेंट हर जगह कर दिया गया है, सतर्क निगाह रखे हुए हैं हम लोग। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। जो मोटर वेपन था वो हथियार बरामद हो चुका है। उसको लेकर कुछ लोग आक्रोशित हो गए हैं, उनको घायल हो जाएगा, मरीज को पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने भिजवाया है और उनको आश्वस्त किया गया है कि महत्वपूर्ण कार्रवाई है। कितने बच्चों की मौत हुई है? दो बच्चों। क्या क्या उम्र होगी सर? लगभग 11 साल और 6 साल की उम्र है। कुछ पता चल पा रहा है सर क्या वजह? अभी कोई कारण स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रहा, ये आगे जांच का विषय है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था जो है इलाके की, जिस तरीके का सामने से मामला कल हुआ है, उस पर कानून व्यवस्था की क्या हालत है, पुलिस की क्या तैयारियां हैं, क्या कैसे सतर्कता बरतेंगे? कानून व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। शहर में भी कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, जनपद में भी हर जगह स्थिति सामान्य है। पुलिस की तैयारियां हैं, अब डिप्लॉयमेंट हर जगह कर दिया गया है, सतर्क निगाह रखे हुए हैं हम लोग और सोशल मीडिया पर भी हमारी निगाह है और कहीं से किसी तरह की कोई समस्या अभी तक नहीं आई है। क्या घटना हुई थी कल सर? कल घटना क्रम कुछ इस प्रकार का है कि ये जो व्यक्ति है आरोपी साजिद, वो अपना कोखा नाई का वो जो पीड़ित परिवार उसके घर के सामने रहता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पर सीधा चला गया, जाकर के वहां उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और वहां से फिर नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गईं। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। सर हत्या जिस हथियार से की, क्या हथियार था वो और कहाँ है वो, क्या पुलिस के पास? वो हथियार बरामद हो चुका है, जो मोटर वेपन था वो हथियार बरामद हो चुका है और जो कट्टा था वो भी बरामद हो चुका है। और सर बता रहे हैं, परिवार बता रहे हैं कि दो लोग आए थे, दोनों भाई जावेद और साजिद। परिवारजनों के द्वारा FIR जो लिखाई गई उसमें उसके भाई को भी नामित किया गया है, जावेद जो उसका भाई है वो भी नाई का ही काम करता है, उसकी तलाश में भी टीमें निकाल दी गई हैं और बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहीं क्रिमिनल बैकग्राउंड इन दोनों का, जावेद साजिद या इनके घर में किसी का? अभी तक जो लोकल थाना है उसमें तो इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला, लेकिन बाकी जगह भी तलाश कराई जा रही है। हत्या की वजह क्या लग रही है, क्योंकि कल आए पैसे मांगे, पैसे मिल भी गए थे? उन्होंने जो FIR में बताया है, घर वालों से जो बात हुई है उनका कहना है, घर के जो उसके जो पिता हैं बच्चों के, कि उसने 5,000 रुपये मांगे थे, वो पैसे उसको मिल भी गए थे, लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में क्या बात थी इसके बारे में अभी और गहराई से तलाश की जा रही है, मोटिव क्या था और पता किया जा रहा है और जैसा भी आगे जो फैक्ट्स पता चलेंगे उसके आधार पर अपनी कार्रवाई करेंगे। पुरानी रंजिश के बारे में पता लगा, पुरानी रंजिश अभी तक कोई समझ में नहीं आई।